क्लास दिस इज़ आर न्यू एनाफिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द डिवीज़न इनटू सोमाइट्स। सोमाइट्स अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि ये स्ट्रक्चर बनती है जो अपन ने पढ़ी कि भाई दो लेयर्स बन रही है, इनर मास आउटर मास वाली बात अपन ने पढ़ी, ट्रोफोब्लास्ट वाली बात पढ़ी, तो वहाँ पे सोमाइट्स भी अपन ने पढ़ा। तो आज हम अपनी इस क्लास में सोमाइट्स का डिवीज़न पढ़ रहे हैं कि सोमाइट्स में कैसे डिवीज़न होता है। लगभग 20वें दिन मीजोडर्म जो है वो डिवाइड होती है, पेयर्ड बॉडीज बनाती है जिसको अपन सोमाइट्स कहते हैं। 20वें दिन मीजोडर्म डिवाइड होकर के पेयर्ड बॉडीज बनाएगी जिसको सोमाइट्स कहते हैं। ये सोमाइट्स न्यूरल डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड पाई जाती हैं और ये जो पेयर्ड बॉडीज हैं उसी से स्केलेटन और मसल टिश्यू बनते हैं। स्केलेटन और मसल टिश्यू इन पेयर्ड बॉडी से ही डेवलप होंगे। इस सोमाइट पीरियड के दौरान 20 से 30वें दिन 38 पेयर्स का सोमाइट डेवलप होता है, सोमाइट्स डेवलप होते हैं। इनका टोटल नंबर इवेंचुअली बाद में 42 से 44 पेयर्स होता है, जिनमें से चार जो है वो ऑक्सीपिटल, 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 8 से 10 कॉकीजियल बना रहे हैं। स्ट्रक्चर बन रही है ये स्ट्रक्चर्स। कुछ सोमाइट्स इनमें से पहले ऑक्सीपिटल फर्स्ट ऑक्सीपिटल और फिर फिफ्थ से सेवेंथ कॉकीजियल डिसअपियर हो जाते हैं और जो रेस्ट बचते हैं वो एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में बनने कैसे स्टार्ट हुए थे कि हमने कहा कि भाई सोमाइट पीरियड 20 से 30वें हफ्ते में होता है, जिनमें से 38 पेयर सोमाइट्स डेवलप होते हैं। इनका नंबर क्या है, 42 से 44 पेयर तक पहुंच जाता है, जिनमें से 4 ऑक्सीपिटल, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 8 से 10 कोकीजियल। फर्स्ट ऑक्सीपिटल और फिफ्थ से सेवन्थ कोकीजियल जो है डिसअपियर हो जाएंगे और बाकी रेस्ट जो है वो एक्सियल स्केलेटन बनाएंगे। थर्ड लाइफ की थर्ड वीक के एंड पर कंसेप्टस जो है वो लगभग 1 मिलीमीटर लेंथ तक पहुंच जाता है। अब लाइफ के फोर्थ वीक में एम्ब्रियो जो है वो ड्रामेटिकली ग्रो होएगा फोर्थ वीक के अंदर और मोर देन ट्रिपल्स इट्स लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो तिगुने से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3.5 मिलीमीटर। अभी कितनी थी, 1 मिलीमीटर ही थी और अभी अचानक 3.5 मिलीमीटर पहुँच गया, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है और वेट लगभग 5 mg इसका पहुँच जाता है। तो ये एमनियन, ये हेड से टेल तक एमनियन और यॉक सैक दिखाया गया, जिसमें से ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन रही है। ये लेटरल फोल्ड्स दिखाए गए हैं, ये फ्यूचर गट है जो कि डाइजेस्टिव ट्यूब बनाएगी। फिर ये डाइजेस्टिव ट्यूब देखो अच्छे से फोल्ड हो गई है। अब इसका डेवलपमेंट देखो, यहाँ पर न्यूरो ट्यूब दिखाई गई एक्टोडर्म सोमाइट के साथ में। ये सोमाइट है, इसके दोनों साइड पेयर थे ना, ये पेयर बॉडी हैं। ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म नोटोकॉर्ड, ये नीचे एंडोडर्म, यॉर्क सैक दिखाया गया है, सोमैटिक पोर्शन लेटरल मीजोडर्म का, डेवलपिंग सिलोम और स्प्लैंकनिक पोजीशन है लेटरल मीजोडर्म की। तो ये एम्ब्रियो जो है इलोंगेट होता है, इलोंगेशन इसका शुरू होएगा और ये बाद में क्या बन जाता है, कर्ड पॉन के रूप में अपने आप को बना लेता है और उसी से हेड और टेल फोल्ड बनते हैं, हेड फोल्ड और टेल फोल्ड बनते हैं। इस तरह से कर्व हो जाएगा ये। लेटरली बॉडी फोल्ड जो है वो डेवलप होंगे और एम्ब्रियो ट्यूब्यूलर बनाएगा बजाय टेल फ्लैट के, और डिस्क शेप ले लेता है, फ्लैट की जगह ट्यूब्यूलर हो जाता है एम्ब्रियो जो है वो। यहाँ पर न्यूरल ट्यूब क्लोज होना शुरू होती है ऑक्सीपिट के एरिया में और प्रोसीड होकर के अपवर्ड डाउनवर्ड जाती है इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से अपवर्ड और डाउनवर्ड ये प्रोसीड होती है और न्यूरल ट्यूब क्लोज होनी शुरू हो जाती है। सोमाइट्स बनते हैं क्रैनियोकॉर्डल सीक्वेंस में, जैसे न्यूरल ट्यूब क्लोज हो रही है उसके क्रैनियोकॉर्डल सीक्वेंस के अंदर सोमाइट्स बनते हैं और इसको आप एक्टोडर्म के द्वारा आराम से देख सकते हैं, दिखाई देंगे दोनों सोमाइट्स। अब पेरिकार्डियल सैक जो हार्ट के चारों तरफ है वो बड़ा हो जाता है और हेड रीजन इसका एलिवेट होता है। हेड रीजन कॉजिंग, जिससे क्या होता है, हेड रीजन एलिवेट होएगा, क्या पेरिकार्डियल सैक हार्ट के चारों तरफ अच्छे से एनलार्ज हो जाता है। लैरिंजियोट्रेकियल ग्रूव और लंग बर्ड्स भी जो होती है वो
रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेती है अच्छे से डेवलप हो करके। मैंडिबल और मैक्सिला जो हैं जॉ के, वो भी एकदम अलग दिखाई देते हैं। आईज, ईयर्स और नोज़ की रूडिमेंट्री फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई देगी डायग्राम में। यही न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब, एपिडर्मिस एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब आपको बनती हुई दिखाई गई है। ये सोमाइट जिसमें कि डर्मेलोम, मायोटोम और स्क्लेरोम तीन स्ट्रक्चर उसकी दिखाई गई है। इंटरमीडिएट मीजोडर्म किडनी और गोनाड से बना रहे हैं। एंडोडर्म गट की लाइनिंग बना रही है। ये लिम्ब बर्ड्स हैं। ये विसरा सिरोसा दिखाया गया है जो स्प्लैंकनिक मीजोडर्म से बना है। स्मूथ मसल सेल्स और गट की स्मूथ मसल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज भी स्प्लैंकनिक मीजोडर्म से बन रहे हैं। सोमैटिक मीजोडर्म से पैराइटल सिरोसा बन रहा है और सोमैटिक मीजोडर्म से डर्मिस बन रही है। पेरिटोनियल कैविटी सिलोम से बन रही है। अब फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर थी इसको और अच्छे से क्लियर दिखाया गया है यहाँ पर, जिसमें स्किन बताई गई है। एपिडर्मिस डर्मिस स्किन बना रही है। स्पाइनल कॉर्ड बनता हुआ दिखा रहा है। ये वर्टिबल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है साइड में। ये दोनों किडनीज बन गई हैं, रिब्स बन गए हैं। आउटर बॉडी वॉल बताई गई है। ट्रंक मसल है, पैराइटल सिरोसा है। ट्रंक मसल और पैराइटल सिरोसा, ये पूरी ट्रंक दिखाई गई है। पैरिटोनियल कैविटी है। पैरिटोनियल कैविटी पता ही है आपको, ये कैविटी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसमें विसरल सिरोसा डाइजेसिव ट्यूब की मसल दिखाई गई है। बीच में डाइजेसिव ट्यूब उसकी मसल। ये डाइजेसिव ट्यूब की लाइनिंग है येलो कलर से। ये इनर ट्यूब दिखाई गई है पूरी की पूरी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर, तो ये इंटेस्टाइन सिस्टम भी जो है वो बनता है कहाँ से, यॉर्क सैक से बनता है। डिफरेंशिएट होकर ये बर्ड्स बनाता है जो बाद में आगे ईसोफेगस, स्टमक, लीवर और पैनक्रियाज में प्रोग्रेस होकर डेवलप हो जाएगा। थायराइड और थाइमस ग्लैंड भी इस समय बन जाते हैं। प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम इस समय, मतलब इन चीज़ों से बन रहे होते हैं। प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है और हार्ट जो है वो हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट बीट करने लग जाता है, धड़कना शुरू हो जाता है हृदय जो है वो। बड लाइक प्रोजेक्शंस एम्ब्रियो की सरफेस पर आपको दिखाई देंगे जो आगे क्या बनाएंगे, लिम्स बनाएंगे, हाथ और पैर बनाएंगे। अब फिफ्थ वीक, लाइफ के फिफ्थ वीक में क्या होता है ये सब चीज़ें। फोर्थ वीक में लिम्स बन गए और फोर्थ वीक में जो है वो हार्ट बीट स्टार्ट हो चुके हैं। या आपको पता होना चाहिए भाई कौन से स्टेज में क्या क्या बन रहा है। तो फोर्थ वीक में क्या बन जाता है, हार्ट बीट महसूस होने लग जाती है और लिम्स बनने लग जाते हैं। फिफ्थ के अंदर एम्ब्रियो जो है अब फीटस के रूप में ग्रो हो जाता है। फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में इसको क्राउन रंप लेंथ CRL से अपन देखते हैं। यहाँ पे फीटस को मेजर किया जाता है लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्राउन हील लेंथ से। पहले तो अपन ने क्राउन रंप लेंथ और लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी क्राउन हील लेंथ से अपन देखते हैं। स्टैंडिंग हाइट जिसको अपन कह सकते हैं। CRL ग्रो होता है 4 से 8 मिलीमीटर इस हफ्ते के अंदर और फिर इसकी ग्रोथ एक्सीड होती रहती है। हेड की ग्रोथ काफ़ी तेजी से होती है और ग्रोथ जो है वो बॉडी के कंपैरिजन में एक्सीड करती है इस वीक के दौरान। एम्ब्रियो की लेंथ और बढ़ रही है और ये बेंड होकर के सी शेप लेता है। तो आप देखते ना अक्सर बच्चा इस तरह से झुका हुआ तो होता है, तो बच्चा ऐसे लगता है जैसे कोई सी लिखा हुआ है। जबकि एडिशनली 42 से 44 पेयर्स ऑफ सोमाइट जो होते हैं इसमें कॉडल एंड पर, इसके कॉडल एंड पर ऐड हो जाते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बनती है एमनियन, यॉक और कनेक्टिंग स्टॉक के यूनियन से। यहाँ पे अब जो है दो अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन भी बन जाती है। हार्ट का साइज डबल हो जाता है जो इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाता है। यहाँ पर इसका एट्रिया और वेंट्रिकल्स भी आपको एक्टोडर्म के द्वारा दिखाई देने लग जाते हैं। एम्ब्रियोज के चार लिम्ब बर्ड्स जो हैं वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं टीराटोजिन के लिए इस समय पर। फिफ्थ वीक पढ़ रहे हैं हम, कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं और हमने कहा था चार लिम्ब बर्ड्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब समझिए कि चार लिम्ब बर्ड्स जो यहाँ पर बन चुकी है वो टीराटोजिन के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है इस पीरियड के दौरान। इसका क्या मतलब होता है, टीराटोजिन क्या होता है? टीराटोजिन वो एजेंट्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं
या वो ड्रग्स आप कहिए, वो ड्रग्स होती हैं जो कि एनाटॉमिकल एनोमली ले आती हैं, डिस्टर्बेंस ले आती हैं, डिफॉर्मिटी ले आती है एम्ब्रियो के अंदर, या फीटस वर्ड अपन यूज़ करें, फीटस के अंदर डिफॉर्मिटी ले आती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ ले रही है तो वो ड्रग्स उसके प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ऊपर अपना बुरा प्रभाव यानी एडवर्स इफेक्ट दिखाती है, जिसके तहत बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी यानी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, एनाटॉमी बिगड़ जाती है। तो वो जो डिफॉर्मिटी है वो इस समय लिम्बर्ड्स में दिखाई दे रही होती है, अगर कोई टीराटोजन लिया जाए, वल्नरेबल मतलब उस पर असर पड़ने लग जाता है, इस समय वो उसके असर होने लायक बन जाती, तो वल्नरेबल हो जाती हैं टीराटोजन के प्रति इस समय लिम्बर्ड्स जो हैं। अब ये देखिए, ईयर, फेरेंजियल आर्क, आई, हार्ट, अपर लिम्ब बड, टेल और लोअर लिम्ब बड, सोमाइट्स वगैरह ये सब यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं। अब सिक्स वीक लाइफ का देखिए, हेड जो है वो बड़ा हो चुका है ट्रंक के कंपैरिजन में और बेंट हो जाता है हार्ट के ऊपर प्रोमिनेंटली, बेंट ओवर द हार्ट प्रोमिनेंस, हार्ट प्रोमिनेंस पे ये बेंट भी हो जाता है हेड जो है, तो दिख रहा है झुका हुआ सर। टोटल इसका 10 मिलीमीटर साइज दिखाया गया, 36 डेज पर ऐसा होता है। फेशियल एक्टोडर्म जो है वो एलिवेट हो जाती है, ऐसा दिखाई दे रहा होता है। आई, नोज, माउथ की पोजीशन और जो ग्रू होते हैं वो बिकम एक्सटर्नल ऑकास्टिक मीटस वहाँ पर बन जाते हैं, ग्रू बन जाता है, माउथ, नोज, आई बन जाते हैं, इनकी पोजीशन सेट हो जाती है और ऑकास्टिक मीटस भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। अपर लिम्ब्स में एल्बोज और रिस्ट जो हैं वो एकदम आइडेंटिफाइबल बन जाते हैं, आप आराम से पहचान सकते हो ये बच्चे की एल्बो है, ये उसकी रिस्ट है। हैंड प्लेट्स जो होती है वो रिज डेवलप कर लेते हैं जिससे कि फिंगर रेज बनेंगी। लोअर लिम्ब्स पर इस समय डेवलप होती नहीं है उतनी डिग्री पर जितने कि हाथ बन गए, मतलब पैर उतने अच्छे बनते हैं। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो हाथ बने दिख रहे पर पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, पैर अभी इस वक्त डेवलप हुए नहीं हैं। चेंजेस जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं जिनेटल रीजन के अंदर भी। सियल यहाँ पर जो लेंथ है वो 8 से 14 मिलीमीटर हो जाती है, वेट 50 से 400 mg हो जाता है। अब सेवेंथ वीक ऑफ लाइफ में क्या हो जाता है भाई, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो हेड में दिखाई देते हैं कि हेड तेजी से एनलार्ज हो जाता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाई देता है। आई जो होती है वो मूव करके लेटरल मूव करती है और ज़्यादा फ्रंटल, लेटरल से फ्रंटल पोजीशन में आ जाती है, जबकि डेवलप होती है तब वो लेटरल पोजीशन में होती है। अब यहाँ से लेटरल से मूव करती है मतलब साइड से आगे की तरफ आ जाती है, फेस इलोंगेट हो जाता है। प्रोमिनेंसेस जो हैं वो वेंट्रल बॉडी वॉल के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं शुरुआत से, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो वाइटल होता है एम्ब्रियो के सर्वाइवल के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए एम्ब्रियो को, इनका ये प्रोमिनेंसेस दिखाई देने लग जाते हैं। एम्ब्रियो इस समय कंटिन्यू ग्रो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड इस वक्त श्रिंक हो जाती है, आर्म और हैंड जो हैं अपर लिम्ब्स के और लोअर लिम्ब्स के, फुट सेगमेंट्स, थाई और लेग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देने लग जाते हैं, फिंगर डेवलप हो जाती हैं, इनकी ग्रोथ क्रिटिकल हो जाती है इस पॉइंट, मतलब 40 से 50 एकदम क्रिटिकली इसकी फिंगर्स भी डेवलप हो जाती है। सीएल 14 से 20 मिलीमीटर और वेट 400 से 100 mg हो जाता है। लाइफ के 8वें हफ्ते में इस फाइनल वीक में एम्ब्रियोनिक पीरियड के, एम्ब्रियो जो है वो एकदम डेफिनेट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जैसा दिखाई देता है, एकदम इंसान का बच्चा ऐसा पता चल रहा होता है वो। सेरेब्रल हेमिस्फीयर अच्छे से ग्रो हो जाता है, तेज़ी से इसे हेड ग्रो हो रहा होता है और लगभग एम्ब्रियो का 50% मास ये बना लेता है। फेस जो है हेड के लोअर हाफ को ऑक्यूपाई कर लेता है। आई कंटिन्यू जो है वो मूव हो रही होती है और ज़्यादा फ्रंटल प्लेन में आ जाती है। आई लिड फोल्ड होकर के डेवलप हो जाते हैं, आई लिड फोल्ड जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और फ्यूज़ भी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और 9वें हफ्ते के अंदर, 9वें हफ्ते तक जो है वो बंद रहते हैं और अनटिल 7th जो मंथ है तब तक ये बंद रहेंगी आंखें जो हैं।
फिंगर लेंथ दिखाई दे रही होती है, टोज जो होते हैं वो एकदम अलग दिखाई दे रहे होते हैं 8वें हफ्ते के एंड तक, क्लियर टोज पता चलता है जैसा दिखाई दे रहा है पिक्चर में आपको। एक्सटर्नल ईयर जो है वो लो रीजन में सेट हो जाते हैं और फाइनल शेप अपनी ले चुके होते हैं। सेक्सुअल डिफरेंस भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के द्वारा आप इस समय कर सकते हो। ट्रेंड आईस है, हर किसी को तो नहीं पता चलता पर जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं वो बता सकते हैं कि ये डेवलप होने वाला मेल बेबी है या फीमेल बेबी। लेंथ 21 से 30 मिलीमीटर और वेट 1000 से 3000 mg यानी 3 किलो तक वेट जो है वो हो चुका होता है। तो बस ये सोमाइट्स वगैरह हमने पढ़ लिए और कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो हमने पढ़ लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है ये टॉपिक, ये लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है, खुद से पढ़िए आपको समझ आ जाएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।